मैंने पहले तो मैंने थाईलैंड में देखा था, तो वहाँ से फिर मैं इंडोनेशिया में भी देखा था, तो वहाँ से यूक्रेन में भी देखा और स्विट्ज़रलैंड में भी देखा। तो 5-6 कंट्री मैं का इम्प्रेशन पड़ गया बहुत ही अच्छा। तो वो देख के भी मैं यहाँ पर जहाँ रह रहा हूँ तो यहाँ पे भी बर्ड्स बहुत सारे हैं, तो इनको इनको खाना देना हमारे धर्म मतलब हमारा मजहब बता रहा है, क्योंकि इनके पास एक लैंग्वेज नहीं है, तो हमें एज अ ह्यूमन बीइंग इनका इनको फीड करना है। तो हम करते रहते थे, मैं यहाँ नहीं था तो मेरे मम्मी पापा करते रहते थे। एक अच्छी व्यू भी यहाँ पे है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर भी यहाँ पे है, तो चाहे कि लोकल कश्मीरी लोकल टूरिज्म भी आए, उनको पता चले कि यहाँ डल में एक जगह है जिसका नाम बर्ड फॉरेस्ट है, जहाँ पे हम बैठे आराम करें, तो उनका जो माइंड है, क्योंकि काम करते करते बंदे का काम ध्यान पकड़ भटक जाता है, तो एक दिन ऐसा होना चाहिए कि वो हॉलीडे उठाए और आए किसी भी जगह, वहाँ सुकून पे बैठे, तो आई थिंक उसके लिए वो वर्कआउट अच्छा करेगा। देखिए, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जब मैं यहाँ पे आया तो मैं भी बहुत इम्प्रेस हो गया कि मैंने देखा कि यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं, ये बर्ड फॉरेस्ट रिजॉर्ट है, तो मैं भी गया। मैंने बोला ये क्या है, तो जब मैंने इनसे बात की तो इनका जो कॉन्सेप्ट था वो मुझे पसंद आया कि ये बहुत अच्छा है, हम सबको ऐसा ही आगे आके, क्योंकि जब यहाँ पे फ्रीज होता है ये लेक, जब ये पूरा फ्रीज होता है तो उस टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है एक एक बर्ड्स को, क्योंकि उनको कोई खाना नहीं मिलता है, क्योंकि वो सारा कुछ जम जाता है जेल के अंदर। जब उनके ऊपर मेरे घर के सब पीछे बैक साइड से वहाँ पे भी हमारे यहाँ पे फ्रीज होता है, तो हम भी चावल वावल फेंकते रहते हैं। मगर इनका क्या है कि इन लोगों ने ये एक एक ना तरीके से जो फीड कर रहे हैं हर एक जगह पे, इसने ये बाहर जाके ये सीखा है, तो यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे इन लोगों ने ये इम्प्लीमेंट किया है।